चलो आज हम इनकम टैक्स जो सब्जेक्ट है जिसको डायरेक्ट टैक्स के नाम से भी जाना जाता है उसका कुछ जो स्टार्टिंग पॉइंट है इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स कैसे आया उसके बारे में आज जानेंगे, ठीक है। और इनकम टैक्स होता क्या है, अच्छा इनकम टैक्स होता है क्या है ये तो सब बोल देंगे, लेकिन सिर्फ टैक्स क्या होता है, ओनली टैक्स किसे बोलेंगे, अच्छा फिर और एक सवाल पैदा होता है इनकम किसे बोलेंगे। अब इनकम क्या है वो भी पता है और टैक्स क्या है वो पता है, फिर इनकम टैक्स जो है ये बाद का सवाल होता है। अच्छा ठीक है, यहां तक ठीक है। अब कभी कभी दिमाग में ये सवाल आता है इनकम टैक्स जो पेमेंट होगा वो किसको पेमेंट होगा, इनकम टैक्स कौन लेगा और देगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा। अच्छा फिर उसके बाद और एक सवाल दिमाग में पैदा होता है जितना इनकम करेंगे उसी के ऊपर टैक्स, अच्छा क्या गवर्नमेंट हर चीज के ऊपर टैक्स लगा सकता है, ऐसा है जी। एक बात बोलता हूं कि आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, अगर गवर्नमेंट ऐसा रूल कर दिया आपका व्हाट्सएप जितना देर तक चलेगा, मतलब आप जितना देर तक ऑनलाइन रहोगे उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ सर क्या बात बोल रहे हो, दिमाग खराब हुआ है आपका, हम सब व्हाट्सएप के बिना रह सकते हैं? नहीं सर ऐसा मत बोलिए सर, सर शुभ शुभ बात बोलिए। अच्छा ठीक है मैं शुभ बोलना शुरू करता हूं। तो बात यह है क्या गवर्नमेंट हर किसी चीज के ऊपर टैक्स लगा सकता है, हर किसी एक्टिविटी के ऊपर टैक्स लगा सकता है? नहीं। ऐसा है क्यों? तो हमारा देश का भी कोई रूल है, देश का जो हमारा देश इंडिया उसका भी कुछ लॉ है, जैसे कि आप इनकम टैक्स लॉ पढ़ते हैं वो इनकम का लॉ, इनकम टैक्स का लॉ, जैसे आप कंपनी लॉ शायद पढ़े होंगे कहीं, तो कंपनी का लॉ वैसा हमारा देश का भी कोई लॉ है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं और एक बार बोलो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब हमारा देश का जो संविधान है वो हमारा देश का लॉ है। हमारा देश में कौन सा गवर्नमेंट क्या करेगा, किसको क्या राइट है, किसको क्या बोलना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारा देश में, उसका भी लॉ है। बाप रे बाप, तो उस लॉ के हिसाब से हमारा देश चलता है, जैसे कि इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से इनकम टैक्स का सब कुछ होता है, कंपनी लॉ के हिसाब से कंपनी चलता है, तो उसी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके हिसाब से हमारा इंडिया जो है चल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो वहां पे वो जो लॉ है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो वो जो लॉ है एक वो कैसा है देखिए। तो जैसे कि हमारा कोई लॉ बनता है इनकम टैक्स लॉ या कंपनी लॉ बनता है तो उसमें कई सारे सेक्शंस होते हैं, पहले चैप्टर होते हैं, उनका लॉ का खुद का चैप्टर होता है। आप जो कंपनी लॉ पढ़े हैं या इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं वो जो आपका किताब में जो चैप्टर है वो नहीं, लॉ का खुद का चैप्टर है, ठीक है। जैसे कि इनकम टैक्स अगर आप पढ़े हैं या अभी पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स लॉ में कितना सारा चैप्टर है पता है आपको? 23 चैप्टर है, 23 चैप्टर्स, एक्स एक्स ट्रिपल आई, इतना सारा चैप्टर्स है, ठीक है। कंपनी लॉ अगर पढ़ रखे हैं तो कंपनी लॉ में कितना चैप्टर है पता है? 29 चैप्टर है, 29 चैप्टर्स है, ये लॉ का है। तुम जो किताब पढ़ रहे हो वो अलग चैप्टर है, तुम्हारा सिलेबस के हिसाब से किताब में चैप्टर है, लेकिन लॉ का अलग चैप्टर होता है। अच्छा मान लो हम किसी एक लॉ को लेकर चलते हैं, कंपनी लॉ या इनकम टैक्स लॉ उसको लेकर चलते हैं, तो इनकम टैक्स लॉ में 23 चैप्टर्स हैं, उसमें कितने सारे सेक्शंस हैं? 298 सेक्शंस हैं, जो नंबर की बात की जाए 298 सेक्शंस तक है, ठीक है। और उसमें शेड्यूल भी है, कितना सारा शेड्यूल है? 14 शेड्यूल है, XIV शेड्यूल, मतलब 1 से लेकर 14 नंबर तक का शेड्यूल है।
उसी तरह कंपनी लॉ का अगर बात किया जाए, कंपनी लॉ में 29 चैप्टर्स हैं और उसमें जो 470 सेक्शंस हैं, 470 सेक्शंस हैं, आप पढ़े होंगे कंपनी लॉ, तो उसमें जो शेड्यूल है, शेड्यूल कितना है, 7 शेड्यूल्स हैं, ठीक है, ऐसा है। तो ये अलग अलग जो इनकम टैक्स लॉ है, कंपनी लॉ है, ऐसा है। जो हमारा देश का जो लॉ है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी तो हमारा देश का लॉ है। देखो तो उसमें पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जैसे चैप्टर डिवाइड किया गया था, उसमें पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कितना पार्ट्स है, 25 पार्ट्स है। देखो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले प्रीएम्बल आता है, जो प्रीएम्बल बोलते हैं, आप सब जानते होंगे, पढ़ते होंगे, और उसके बाद 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो जो लॉ, इंडिया का जो लॉ है, उसको 25 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अच्छा, ये 25 पार्ट में कितना सारा आर्टिकल है, जैसे यहाँ चैप्टर था उसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जैसे कि यहाँ पर सेक्शन था, हमारा देश का लॉ को आर्टिकल्स में डिवाइड किया गया है। कितना आर्टिकल है पता है आपको, 448 आर्टिकल्स है। और एक बात मैं बोल देता हूँ, ये जो 25 पार्ट है ना, जब आप गिनती करेंगे, आप अगर कभी देखेंगे या किसी एप्स में या साइट में जाकर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये 25 जो है ना कैसा है पता है आपको, अगर आप गिनती करेंगे, मतलब आई डबल आई ट्रिपल आई ऐसा करके अगर आएंगे, लेकिन यहाँ पे लास्ट तक जो आपको दिखाएगा ना, वो कितना दिखाएगा पता है, 22 दिखाएगा, डबल एक्स डबल आई। इसका मतलब ये नहीं कि 22 पार्ट्स में डिवाइड है, नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि 9 नंबर वाला पॉइंट और एक पॉइंट है 14 नंबर वाला पॉइंट, तो यहाँ पे दो एक्स्ट्रा पार्ट और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पार्ट, तीन एक्स्ट्रा पार्ट इंसर्ट किया गया है। अगर टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 करके तो टोटल कितना आ जाएगा, 25, लेकिन नंबरिंग सिस्टम में जाएंगे तो 22 नंबर तक में आता है वो। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, मतलब इंडिया का जो लॉ है, वो 25 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो इसके बारे में मैंने बोल दिया। अब वो कितना सारा आर्टिकल्स है, 448, वो देखो पार्ट्स के अंदर आर्टिकल्स है, जैसे यहाँ चैप्टर के अंदर सेक्शन सब रहता था, तो उसी तरह पार्ट्स के अंदर क्या है, आर्टिकल्स है। अच्छा, फिर उसका भी शेड्यूल है, बाप रे बाप, उसका कितना शेड्यूल है, उसका 12 शेड्यूल है। हमारा देश का जो लॉ है, शेड्यूल कितना है, 12 है, ठीक है। अब ये रहा, अब ये जो 448 आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 265, आर्टिकल नंबर 265 में क्या बोलता है, क्या बात बोलता है, सुनो क्या बात बोलता है, नो टैक्स शैल बी लेवीड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ, कोई भी टैक्स लेवी किया नहीं जाएगा, चार्ज किया नहीं जाएगा, कलेक्ट नहीं किया जाएगा, जब तक किसी लॉ का इजाजत नहीं मिलता है। अगर एक टैक्स के लिए लॉ नहीं है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी चीज के ऊपर टैक्स, किसी चीज के ऊपर या किसी के ऊपर टैक्स लगाना चाहा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना मर्जी के हिसाब से नहीं लगा सकते, तो उसके लिए हमारा लॉ होना चाहिए, जिस चीज के ऊपर टैक्स लगाएगा उसके लिए लॉ बनकर आना चाहिए, उसका लॉ रहना चाहिए, तभी जाकर टैक्स लगा सकता है, अदरवाइज नहीं लगा सकते वो लोग। समझ में, ये बात कौन बोलता है, 265, ये जो आर्टिकल्स है ना, 448 आर्टिकल्स, उसमें से जो एक 265 नंबर का आर्टिकल आता है, उसमें ये बात बोलता है, कोई टैक्स नहीं लगेगा एक्सेप्ट अथॉरिटी बाय लॉ, जब तक लॉ का इजाजत नहीं मिलता है, लॉ का अथॉरिटी नहीं है, तब तक इस चीज के ऊपर या किसी एक्टिविटी के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते। तो ऐसा बोल दिया। अब फिर सवाल पैदा होता है, फिर टैक्स ऐसा क्यों लग रहा है, देखो उसके लिए फिर लॉ पास करना पड़ता है, लॉ पास करने का इजाजत कहां से मिला गवर्नमेंट को, आर्टिकल नंबर 246 में आओ, फिर आर्टिकल नंबर कितना, 246, ये आर्टिकल नंबर 246 में एक बात बोलता है, वो किस चीज का सहारा लेता है, जो शेड्यूल है ना, 7th शेड्यूल का सहारा लेता है, ठीक है। आर्टिकल 246 क्या बोलता है, वो बोलता है कि शेड्यूल 3 का सहारा लेके, सॉरी शेड्यूल 7 का सहारा लेके क्या बोलता है कि गवर्नमेंट को पावर देता है एक लॉ बनाने का, ठीक है। शेड्यूल 7 जो है आर्टिकल 46 में
शेड्यूल सेवन का नाम लिया गया। शेड्यूल सेवन में क्या, शेड्यूल सेवन में क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट को पावर दिया गया है। हमारा देश का लॉ ने गवर्नमेंट को पावर दिया है क्या करने का, लॉ बनाने का। किसी चीज के ऊपर एक लॉ अगर बनाया जाए उसका पावर कहां से मिलता है, 246 और उसके साथ साथ सेवेंथ शेड्यूल से उसका पावर मिलता है। और फिर अगर देखा जाए गवर्नमेंट का बात अगर किया जाए, दो गवर्नमेंट है हमारा देश में, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब ये शेड्यूल थ्री में क्या किया गया है, देखो ध्यान से देखो, मैं बताता हूं आपको शेड्यूल थ्री में क्या किया गया है, मैं मिटाता हूं इस सब चीज को। शेड्यूल थ्री में क्या किया गया है, शेड्यूल थ्री में तीन लिस्ट बनाए गए। ये शेड्यूल सेवन में क्या किया गया, तीन लिस्ट बनाया गया, लिस्ट वन टू थ्री, तीन लिस्ट बनाया गया। ये लिस्ट वन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनियन लिस्ट, क्या बोलते हैं, यूनियन लिस्ट। लिस्ट टू को क्या बोलते हैं, स्टेट लिस्ट बोलते हैं, स्टेट लिस्ट। लिस्ट वन को क्या बोलते हैं, यूनियन लिस्ट। लिस्ट टू को क्या बोलते हैं, स्टेट लिस्ट। लिस्ट थ्री को क्या बोलते हैं, कॉन्कुरेंट लिस्ट, क्या, कॉन्कुरेंट लिस्ट। अब देखो ये लिस्ट क्यों है, ये लिस्ट नंबर जो वन है यहां पर 97 मैटर्स का जिक्र किया गया है, 97 बातों का जिक्र किया गया है, मतलब लिखा गया है। ये यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का लिस्ट है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये 97 मैटर्स के ऊपर वो लॉ बना सकते हैं। यहां पर ये जो 97 लिस्ट वन है, लिस्ट वन में कई सारे बातें लिखी गई है, कितने सारे बातें, 97 बातें लिखी गई है। उसका नाम जैसे कि एंट्री, कैसा लिखा गया, एंट्री वन, एंट्री टू, एंट्री थ्री, एंट्री फोर, ऐसा करके एंट्री 97 तक है, 97 बातें लिखी गई है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है ये 97 मैटर्स के ऊपर वो लॉ बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलता हूं, देखो 97 बातें लिखी गई है, मतलब 97 बातों के ऊपर क्या कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बना सकते हैं। उसी तरह यहां पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कितना, 66 बात का, ठीक है। ऐसा करके चलो, तो जो भी है, तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है, वो अपने हिसाब से लॉ बना सकते हैं स्टेट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है देश के लिए रूल बना सकते हैं। कॉन्क्रीट लिस्ट क्या है, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को काम करना पड़ता है। जब दोनों को काम करना पड़ता है, दोनों को मिलकर एक लॉ बनाना पड़ेगा, तो जो दोनों को मिलकर लॉ बनाना पड़ता है वो कहां पे, किस किस बातों पे दोनों को मिलकर एक लॉ बनाना पड़ता है, तो वो कॉन्क्रीट लिस्ट में उसका पावर दिया गया है, ठीक है। तो वहां पर जितने सारी बातें लिखी गई है उन बातों का अगर लॉ बनाया जाए, वो सब मैटर के ऊपर अगर लॉ बनाया जाए, तो दोनों गवर्नमेंट को मिलकर वो लॉ बनाना है। सर सर, मैंने बोला जी जी सर, ऐसा कौन सा लॉ है जो दोनों गवर्नमेंट मिलकर बनाते हैं, फॉरेस्ट का लॉ है, मैरिज का लॉ है, क्रिमिनल प्रोसीजर का लॉ है, कितना है ऐसा लॉ, ठीक है 40 के ऊपर ऐसा लॉ है जो कि दोनों गवर्नमेंट मिलकर बनाते हैं। तो अब देखो यहां पर जो यूनियन लिस्ट है, 97 मैटर्स लिखा गया है, उसमें से एक आता है एंट्री नंबर 82। यहां पर ध्यान से इसको याद रखो, एंट्री नंबर कितना, 82। ये जो एंट्री है इसमें क्या लिखा गया है, किस चीज का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। आहा, क्या पावर दिया यहां पे, क्या लिखा गया इसमें, क्या लिखा गया पता है, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। इसका मतलब क्या पता चला, तो जितना सारा इनकम है एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़कर, इसका जो पावर है किसको दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। अब जबकि ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया, तो इनकम टैक्स लॉ कौन बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट। सब कुछ कौन समझेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पेमेंट किसको होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो यहां से पावर उनको मिला है, ठीक है। फिर आगे पढ़ेंगे हम, टैक्स किसे बोलते हैं,
इनकम टैक्स क्या होता है और इनकम क्या होता है, ऐसा धीरे धीरे करके हम इनकम टैक्स जो है कंप्लीट करेंगे, लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? ताकि हमको प्रैक्टिकल नॉलेज जो है पूरा आ जाए, ठीक है? चलो।